नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या आपके घर में भी कोई सुपारी चबाता है के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल देसी नुस्खे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। भारतीय समाज में बहुत से शुभ कार्यों में सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है, पर आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक बताया है। हमारे देश में तो इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है, हर पान की दुकान पर आपको ये बिकता मिल जाएगा। पान बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों में से एक प्रमुख चीज सुपारी भी है। पान मसालों के अलावा कुछ लोग इसे यूं भी चूने के साथ खाना पसंद करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक होने की वजह से दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। डॉक्टरों को मानना है कि इसे पान मसालों में से हटा दिया जाना चाहिए। सुपारी खाने से कई तरह के स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकते हैं। एक, कैंसर। कई अध्ययनों में कहा गया है कि सुपारी का सेवन करने से कैंसर होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। सुपारी में वो सभी तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे सबसे अधिक मुंह के कैंसर के होने का खतरा बढ़ जाता है। दो, दिल संबंधी बीमारियां। कई अध्ययनों में पाया गया है कि सुपारी खाने से हार्ट से जुड़ी कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही ये मोटापा भी बढ़ाता है। तीन, दांत खराब हो जाना। नियमित रूप से सुपारी खाने से मसूड़ों ढीले पड़ जाते हैं और दांतों का इनेमल भी प्रभावित होता है। समय रहते अगर सुपारी खाना नहीं छोड़ा गया तो दांत हमेशा के लिए लाल और बाद में काले हो जाते हैं। चार, रासायनिक प्रभाव। इसमें कई विषाक्त तत्व हो सकते हैं। हो सकता है कि ये शरीर में पहुंचकर दूसरे तत्वों के साथ क्रिया करके कुछ ऐसी गैसों और रासायनिक पदार्थों का स्रावण करे जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हों। पांच, दूसरे दुष्प्रभाव। हर रोज सुपारी का इस्तेमाल करने से ये एक नशे की तरह साथ जुड़ जाता है। डॉक्टर भी न चबाने की हिदायत देते हैं। उद्धरण चिन्ह। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।